सो वर्षा, हमारी कंपनी ये कैलकुलेटर 100 रुपए का बनाती है, आपको मुझसे ये कैलकुलेटर 50 रुपए में खरीदना है, लेट्स सी आप कर पाती है कि नहीं। पर क्यों सर? देखो, आप परचेजिंग मैनेजर की पोस्ट के लिए यहाँ पर आई हैं, तो मुझे देखना है आपकी नेगोशिएशन स्किल्स कैसी हैं। ओके सर। सर, क्या ये कैलकुलेटर आप मुझे 50 रुपए में बेचेंगे? बिल्कुल भी नहीं। जैसे कि मैंने आपको बताया, इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हमें 100 रुपए की पड़ती है, तो मैं 50 रुपए का आपको बिल्कुल नहीं दूंगा। ठीक है सर, फिर मुझे नहीं लेना। वर्षा, आप तो बहुत जल्दी हार मान गई, एटलीस्ट थोड़ा सा डिबेट तो करिए, पैसे कम करने की कोशिश करिए, क्या पता मैं आपको ये 50 रुपए में दे दूँ। सर, अगर आप ब्रांड न्यू फॉर्च्यूनर खरीदने जाते हैं जिसकी कॉस्ट 50 लाख रुपीज़ है, और आप कंपनी वालों से ये बोले कि वो आपको 25 लाख रुपीज़ में दे दे, तो क्या कंपनी आपको देगी? सब पॉसिबल ही नहीं है सर। सर, कंपनी अपने किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस सोच समझ के रखती है, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, एडवर्टाइजमेंट, टैक्सेस और कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन भी होता है। वेल, बात तो तुम्हारी सही है, पर तुम्हें नहीं लगता कि वर्षा आगे चल के तुम्हारा एटीट्यूड हमारी कंपनी को डुबो सकता है? सर, ये तो अपना देखने का नजरिया है। अगर सेलर मुझे 2 बात बोलने पे उस प्रोडक्ट की कॉस्ट कम करके दे दे, तो इसका मतलब तो साफ साफ है उसकी जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो काफ़ी चीप है। उसमें तो मुझे लगता है कंपनी को आगे जाके लॉस ही होना है, प्रॉफिट तो होना नहीं है। चलिए ठीक है। वैसे वर्षा, CV मैंने आपकी देखी है, सब कुछ काफ़ी ठीक है, पर ये बीच में एक्सपीरियंस में आपका 3 साल का गैप है, ये आप मुझे बता सकते हैं किस लिए है? कहाँ सर? यहाँ पे आपने 12th करी, ग्रेजुएशन करी, उसके बाद 2 साल तक एक कंपनी में जॉब करी, और उसके 3 साल बाद आप यहाँ इंटरव्यू देने आए। मैं जान सकता हूँ कि ये 3 साल का गैप में आपने क्या करा? सर, आई एम नॉट आंसरेबल टू दिस क्वेश्चन। सर, ये मेरा पर्सनल मैटर है और मैंने किसी पर्सनल रीजन की वजह से वो जॉब छोड़ी थी। ओके, लेकिन आपने वो जॉब छोड़ी थी या फिर कंपनी ने आपको निकाल दिया था? सर, वो कंपनी मैंने अपने पर्सनल रीजन की वजह से छोड़ी थी और रेजिग्नेशन लेटर फाइल में अटैच्ड है। ये सब तो ठीक है, पर वर्षा, यहाँ जो भी इंटरव्यू देने आता है वो मेरी हर बात पे हाँ मिलाता है, मैं जैसा बोलता हूँ वैसे ही करता है, पर तुम्हारा एटीट्यूड कुछ अलग है। तुमने मुझे डिफेंड करा, मैं जान सकता हूँ तुम्हारा ऐसा एटीट्यूड क्यों है, क्योंकि मैं लोगों को कुछ भी कहता हूँ मेरी हाँ में हाँ मिला ही देते हैं, मेरे सारे ऑर्डर्स फॉलो करते हैं, पर आप अकेली हैं जिन्होंने मुझे हर एक चीज़ के लिए मनाही करा है, मैं जान सकता हूँ ऐसा क्यों? सर, कुछ लोगों को ना ऑर्डर्स फॉलो करने की आदत होती है, पर वो लोग ये नहीं समझ पाते कि क्या सही है क्या गलत है। तुम्हें नहीं लगता वर्षा इस परचेजिंग पोस्ट के लिए तुम्हारा एटीट्यूड कुछ ज़्यादा है? सर, एटीट्यूड तो पर्सन में होता है ना, जॉब डेजिग्नेशन देख के तो नहीं आता। तो ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये इंटरव्यू परचेजिंग मैनेजर की पोस्ट के लिए है और आपका एटीट्यूड उस लेवल का नहीं है, तो इसीलिए मैं जॉब पे आपको नहीं रख सकता। ओके सर। अरे रुकी, आपको बुरा नहीं लगा? मैंने तुम्हें सिलेक्ट नहीं किया, मुझे मना कर दिया, तुम्हें थोड़ा तो बुरा लगना ही चाहिए। सर, rejections are the part of life. फिर कैसे इंसान हो तुम? तुम्हारे अंदर इमोशन नाम की चीज है या नहीं है? सर देखिए, जैसे हूँ आपके सामने हूँ। चलो, ये भी अच्छा है। By the way, congratulations. मैं आपको अपनी कंपनी में हेड मैनेजर के तौर पे साइन करता हूँ। थैंक यू सो मच सर, पर क्यों? ऐसा इसलिए वर्षा, बिकॉज आई लाइक योर एटीट्यूड, और तुम्हारा यही एटीट्यूड एक दिन हमारी कंपनी को ऊंचाइयों पे लेके जाएगा, तो इसीलिए मैं आज से तुम्हें इस कंपनी का हेड मैनेजर साइन करता हूँ। थैंक यू सो मच सर। तो ठीक है, मैं आपको आपका अपॉइंटमेंट लेटर मेल करवा दूंगा। लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क विद यू वर्षा।